لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا غضوان الا الظالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد व अला अली वहब ही अजमीन व मनसार अला नज ही वनबसन्नति अलायमद्दीन अम्माबाद मोहतरम नादरीन मुशाहन दीन मिल्ली भाइयो इस्लामी माओ बहनों गुजा नशस्त में हमने हज तमत्तों का तरीक़ा बयान करते हुए हम मैदान अरफ़ात में पहुँचे थे और मैदान अरफ़ात में एक इंसान को एक हाजी को क्या क्या करना है वो चीज़ें बताते हुए हम पहुँचे थे कि इंसान जहर और असर दोनों नमाज़ों को जहर ही के वक्त में जमा तकदीम यानी अजान कहे अजान के बाद कामत हो और एकामत के बाद दो रकात जहर की पढ़ ले फिर दूसरी एकामत हो और दूसरी एकामत के कहने के बाद दो रकात असर की पढ़ ले उसके बाद में कुछ खा पी करके और इंसान तौबा इस्तफार में ज़िक्र स्कार में दुआओं में लग जाए अपने आप को मशगूल रखे क्यों इसलिए कि वो मैदान अरफात है कि जिस क़दर अल्लाह तबारक तआला मैदान अरफात में लोगों की गर्दनों को जहन्नम से योम अरफा के दिन आज़ाद करता है उतना किसी और दिनों में अल्लाह ताला का ये मुशफाना बर्ताव अपने बंदों के साथ नहीं होता है तो होना ये चाहिए कि आप हज के लिए गए हुए हैं मैदान अरफात में हैं एक एक सेकंड एक एक लम्हे एक एक मिनट की आप कदर कीजिए और इस तरीके से तौबा इस करते हुए जिक्र अस्कार करते हुए दुआएं करते हुए अपने इन कीमती अवकात को आप वहाँ सर्फ कीजिए यहाँ तक कि सूरज डूब जाए सूरज डूब जाए अगर आपका ख़ैमा आपका टेंट जबल रहमत से करीब में है और आप जबल रहमत आसानी से पहुँच सकते हैं तो आपको मालूम है कि नबी करीम वसल्लम ने जब हज किया तो वादी नमरा जहाँ मस्जिद नमरा बनी हुई है वहाँ चटियल मैदान था अल्लाह के रसूल वसल्लम ने एक लाख से ज्यादा स राम ने आपके साथ हज किया आपने वहाँ खुतबा दिया खुतबे के बाद जुहर और असर दोनों नमाज़ों को एक साथ कसर करके पढ़ा फिर अल्लाह के रसूल सल्लम अपनी ऊँटी पर सवार होते हुए आप जबल रहमत के पास पहुँचे और वहाँ आपने दुआ दुआने लिए अपनी उम्मतियों के लिए की तो उस इंसान के लिए जिसका टेंट जिसका खेमा जबल रहमत से करीब में हो आसानी से वहाँ पहुँच सकता है तो जबल रहमत के पास जा कर के वो दुआओं में अपने आप को मशगूल कर सकता है लेकिन अगर दूर है तो यह है कि इस भीड़ में और यह है कि धूप में यह कि मशक्कत उठा करके और यह कि आ जा करके के जबल रहमत के पास जाना और इस तरीके से आने जाने में घंटे दो घंटे का वक्त ज़ाय कर देना ये एक हाजी को जेब नहीं देता है एक हाजी को जेब नहीं देता है तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए दूर हैं आप, आपका टेंट जहाँ लगा हुआ है वहीं बैठ कर के और वहीं पर अपने आप को दुआओं में मशगूल रखें तोबा इस्तफार में मशगूल रखें जिक्र में मशगूल रखें हत्ता कि सूरज डूब जाए बसाओकात ये होता है कि सूरज डूबने में अभी आधा घंटा एक घंटा बाकी है आपके टूर का जो ज़िम्मेदार है या हज मिशन से आप गए हुए हैं मम के जो कारिंदे हैं जिनके ज़िम्मे ये है कि हाजियों को बस में बिठाना है अब अगर वो सूरज डूबने से एक घंटा आधा घंटा पहले ही कहते कि भाई आजी साहब बस लगी हुई है पार्किंग में आप चलिए अपने बस में बैठें बस में बैठने में कोई हर्ज नहीं है इसलिए कि जैसे आप टेंट में बैठे हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तोबा इस्तार कर रहे हैं दुआओं में लगे हुए हैं ऐसे बस में भी जा कर के बैठ करके आप अपने इन कीमती औकात को गुजार सकते हैं बस आपकी सूरज डूबने के बाद ही वो अरफा के हुदूद से बाहर निकलेगी क्योंकि वहाँ अरफात के हुदूद पर सरहद पर वहाँ सिक्योरिटी मौजूद होती है जो किसी को सूरज के डूबने से पहले अरफात के मैदान से निकलने के लिए अलाउ नहीं करती है इजाज़त नहीं देती है तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें अगर ऐसा मामला हो तो चूँ चरा किए बगैर जंग व जदाल किए बगैर तो तु मैं किए बगैर कैसे हम जाएंगे अभी सूरज नहीं है हम खेमे से नहीं निकलेंगे हम नहीं जाएंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे ये सब जंग व जदाल तो तु मैम ना करने के बजाय आप बस में बैठ जाइए बस में ऐसी चल रहा होता है ज़िक्र असकार तो वह इस्तेफार करते रहिए सूरज डूब गया अब यह है कि आपको अरफात के मैदान में मगरबेशानी पड़नी है सूरज डूबने के बाद आपकी गाड़ी आपकी बस जो भी फैसिलिटी आपको दी गई है चाहे आपको बस से मुज़दलफा जाना है या मेट्रो से जाना है सूरज डूबने के बाद आपकी बस या आपकी मेट्रो ये अरफास से मुज़दलफा के लिए रवाना होगी अरफास से जब मुज़दलफा आप जाएंगे तो मुज़दलफा शुरू होने से पहले वहाँ भी आपको बैगनी कलर का पलपल पल कलर का बोर्ड होगा जो बोर्ड का कलर ये ज़्यादा फीका हो गया हल्का हो गया है धूप पड़ते पड़ते उस बोर्ड पे लिखा हुआ होता है कि मुजलफ़ा स्टार्ट हियर मुजदलफा स्टार्ट हियर वो बोर्ड लगा हुआ होता है तो जब आप अरफा से सूरज डूबने के बाद निकले आपको अरफा में मगरिब मगरबसा नहीं पढ़नी है अब आपकी बस जा रही है कभी ऐसा भी होता है कि भीड़ ज़्यादा होती है बस की स्पीड कम होती है इंसान बैठे बैठे उगता जाता है बस को छोड़ करके पैदल जाने लगता है या कभी इंसान सेहतमंद है तंदुरुस्त है बस की सर्विस ना ले करके सोचता है कि हम पैदल ही अरफास से निकलेंगे और मुज़दलफा हम पैदल ही पहुंचेंगे। जब आप पैदल जा रहे हों तो आप लोगों को देखेंगे कि वो मुज़दलफा का जो बोर्ड है कि मुज़दलफा स्टार्ट हीर उससे बहुत पहले ही लोग बिछा करके सो जाते हैं और मगरबैसा पढ़ लेते हैं और वहीं पूरी रात गुजार देते हैं तो आप ऐसी हरकत ना करें चलते जाएं अरफाज से आप चलते जाएं और उस बोर्ड पे नज़र रखें कि जब वो बोर्ड आपके सामने आ जाए कि मुजलफ़ा स्टार्ट हियर मुजतलफ़ा का मैदान शुरू हो गया उस बोर्ड के अंदर आप जाइए और जहाँ कहीं ख़ाली जगह मिले वहाँ पे आप चटाई बिछा करके आप वहाँ आराम कीजिए मुजतलफ़ा के मैदान में जब आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ अजान दीजिए और अजान देने के बाद एक हो और एकामत ये मगरिब की होगी मगरिब की तीन रकात फ़र्ज आप पढ़िए फिर दूसरी अकामत कही जाए और दूसरी अकामत कहने के बाद ऐशा की दो रकात फ़र्ज पढ़ी जाए ये जमा तख़िर है क्योंकि मगरिब को ऐशा के वक्त में पढ़ा जा रहा है तो इसको जमा ताखिर कहते हैं दोनों नमाज़ों को एक साथ पढ़ेंगे और कसर पढ़ेंगे क्यों पढ़ेंगे इसलिए कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने कसर ही पढ़ी है अब दोनों नमाजों के पढ़ने के बाद कुछ खाने पीने की हाजत हो खा पी लीजिए और उसके बाद में आप आराम कीजिए आप आराम कीजिए यहाँ तक कि फजर की अजान का वक्त हो जाए फजर की अजान हो गई आप उस मैदान में जहाँ कहीं चाय डाल के आप सोए हुए हैं फजर की अजान हो जाए फजर की दो रकात सुन्नत पढ़ें और उसके बाद फजर की दो रकात फ़र्ज़ पढ़ लें उसके बाद में जिक्र अस्कार में मशगूल हैं यहाँ तक कि रोशनी फैल जाए रोशनी फैल गई अब यह है कि आप मुज़दलफा से आप मीना के लिए जाए मुज़दलफा से आप मीना के लिए जाइए वो लोग जो मरीज़ हैं बीमार हैं कोई ऐसा उज़्र है तो ऐसे लोगों के लिए जायज़ है कि मुजलफ़ा में ये योम नहर दस तारीख़ दस धल्ज़ा की रात जो गुजारनी है वो आधी रात गुजारने के बाद वो लोग मुज़दलफा से मिना अपने खेमे में अपने टेंट में जा सकते हैं ये मरीज़ और माजूर लोग लेकिन आम लोग जो हैं वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद दस धल्ज़ा को वो मुज़दलफा से मिना के लिए रवाना होंगे मुज़दलफा में जहाँ आप मैदान में पड़ाव डालेंगे वो चटियल मैदान होगा ये स्पिल्ट यानी सीमेंटेड जगहें हैं वहीं पर आपको पूरी रात गुजारनी वहाँ कोई टेंट कोई खेमा नहीं है हुकूमत की तरफ से कंकरियाँ वहाँ डाली गई हैं उन कंकरियों को आपको 10 तारीख को 11 तारीख को 12 तारीख को जो जमरात को कंकरियाँ मारनी हो कंकरियाँ वहाँ से आप चुन सकते हैं कहीं से भी आप कंकरी चुन सकते हैं हसब सहूलत जब आप मुजदलफा से मिना जाएँगे नहर कुर्बानी के दिन दस तारीख को आप मिना अपने टेंट में जाइए वहाँ अपना सामान रखिए सामान रखने के बाद जिस तरीके से जो आपके ज़िम्मेदार होंगे वो बताएंगे कि कंकरी मारने के लिए कब चलना है वाजह रहे कि दस तारीख को नहर को कुर्बानी के दिन जो आपको काम करने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं पहली चीज़ यह है कि सबसे पहले आपको सूरज के तुलू होने के बाद सूरज के निकल जाने के बाद आप जाएंगे जमर अकबा जिसको आम जबान में लोग बड़ा शैतान कहते हैं जो मक्का से करीब में है उस बड़े शैतान को आप सात कंकरी मारेंगे जब मिना अपने खेमे से जाएंगे तो पहले आपको मेना से जब अपने खेमे से आप जाएंगे तो जमरात कंकरी मारने के लिए जमरात पे कंकरी मारने के लिए जाएंगे तो ये आपका ये टेंट है इधर इधर ये टेंट है अब यहाँ से आप निकले यहाँ जा रहे हैं अब यहाँ जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे जो जमरा है इसको जमरे सुगरा कहते हैं जमरे सुगरा जिसको अपनी जुबान में आप कहते हैं छोटा शैतान इसको आपको 10 तारीख को कुर्बानी के दिन इसको आपको कंकरी नहीं मारनी है इसको छोड़ देना है फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पे दूसरा जमरा है जिसको जमरे उस्ता कहा जाता है जमरे उस्ता यानी जिसको अपनी ज़बान में हिंदू पाक के लोग बीच वाला शैतान कहते हैं इसको भी आपको कंकरी दस तारीख को कुर्बानी के दिन यमुन नहर को नहीं मारनी इसको भी छोड़ देना है इसके बाद और आगे जाएंगे ये जो जमरा है Osionfish. इसको जमरे अकबा बोलते हैं जमरे अकबा यानी ये अपनी ज़ुबान में जो लोग कहते हैं कहते हैं बड़ा शैतान तो 10 तारीख को कुर्बानी के दिन आपको इसको कंकरी नहीं माननी है बीच वाले को कंकरी नहीं माननी है सिर्फ़ बड़े शैतान को जिसको जमरे अकबा कहते हैं और ये मक्का से करीब में है इसको कंकरियाँ मारनी है कितनी कंकरियाँ मारनी है सात कंकरियाँ मारनी है हर कंकरी मारते हुए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सातों कंकरी सात बार मारेंगे और कंकरी मारते हुए अल्लाह अकबर कहेंगे ये जो जमरा होता है ये इस तरीके से होता है ये देखिए ये ये राउंड शेप है ये बीच में ये पिल्लर ये है ये ये और यहाँ ये कुएं की तरह से खाली जगह है यहाँ डीप है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी कंकरी इस दीवाल ही पे लगे तभी माना जाएगा कि आपने कंकरी मारी है चाहे दीवाल पे लग जाए या ये जो डीप है ये गहराई है बस इसके अंदर वो कंकरी जानी चाहिए इसके अंदर वो कंकरी जानी चाहिए तो अब ये आपने कंकरी मार ली रमय जमरात को कंकरी मारने के बाद अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं तो हज तमत्तो करने वालों को कंकरी मारने के बाद दूसरा काम क्या है कि कुर्बानी कर ली जाए जिसको हदी कहते हैं कुर्बानी के बाद तीसरा काम यह है कि वह इंसान अपने सर के बालों को पूरा छिला दे या सर के पूरे बालों को कटा ले और जो खवातीन हैं वो जो चोटी रहती है चोटी के लास्ट में उंगली के एक पोर के बराबर वो काट लेंगे उनका कसर हो गया अब इसके बाद में इंसान अपने अहराम खोल देगा आइए सिम भाई अब आइए अब जब इंसान ने कंकरी मार ली कुर्बानी हो गई अब उसके बाद में इंसान अपने अहराम ये खोल देगा मेना ही में इंसान रहेगा मेना ही में अपने खेमे में जा कर अहराम खोल देगा नहा धो लेगा गुसल कर लेगा और गुसल करने के बाद अपना नॉर्मल ड्रेस कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट जो भी था वो पहन लेगा अब अहराम की तमाम पाबंदियाँ उसकी ख़त्म हो गई हैं सिर्फ एक पाबंदी बाकी है वो ये है कि इंसान अपनी बीवी से हम बिस्तरी इंटर नहीं कर सकता है अब जब यह है कि आप जाइए कंकरी मार ले कुर्बानी हो गई और सर के बाल छिला लिया अब उसके बाद में हराम खोल दिया आम ड्रेस में हो गया अब एक चीज़ क्या बाकी रह गई जो हज का एक रुकन है तवाफ अफाजा अब इंसान को चाहिए कि इंसान मक्का जाए और मक्का जा करके अपने नार्मल ड्रेस में कुर्ता पैजामा जो भी पहना रहेगा उसको पहने हुए मर्द औरत काबा का सात बार सात चक्कर लगाए तवाफ़ कर लें और सफ़ा मरवा की सही कर लें तो ये तवाफ़ इफ़ाज़ा हो गया ये अगर आदमी दस तारीख़ को करता है तो बेहतर है अफजल है वरना आदमी भीड़ भाड़ है मरीज़ है माजूर है तो दस के बाद अयाम तश्री या उसके बाद में भी तवाफ़ अफाजा वो कर सकता है अब यह है कि इस तरीके से हज का ये रुक मकमल हो गया अब इंसान को ग्यारह और बारह ग्यारह और बारह जलिज़ा को अगर वो बारह जलिजा ही को मिना छोड़ करके और वो मक्का जाना चाहता है तो ग्यारह और बारह तारीख को ग्यारह और बारह जा को सूरज के जवाल के बाद जवाल के बाद जवाल शम्स के बाद में इंसान को तीनों शैतानों को कंकरी मारनी है अपने खेमे से आएगा सात कंकरी इसको छोटे शैतान को मारेगा सात बार हर कंकरी मारते हुए अल्लाह अकबर उसके बाद थोड़ा सा साइड में लेफ्ट में किबला रुख होकर के इंसान दुआएं करेगा फिर यह है कि बीच वाले इस जमरे को सात कंकरी मारेगा थोड़ा लेफ्ट साइड में हट करके किबला रुख होकर के यहाँ भी दुआएं करेगा बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद वहाँ दुआ नहीं करना है ये वक्त कब शुरू होगा सूरज के जवाल के बाद शुरू होगा और रात तक इंसान ये मार सकता है हती की माजूर और रात के आखिरी पहर पर तो भी मरीज़ वगैरह मार सकते हैं अब ये 11 तारीख को भी तीनों शैतान को मारना है कंकरी 12 को भी जवाल के बाद तीनों शैतानों को कंकरी मारना है ये उस इंसान के लिए जो 12 तारीख को मीना छोड़ करके मक्का जाना चाहता है ऐसे ही उस इंसान को 11 और 12, जिसे अयाम तश्री कहा जाता है 11 झीलहजा की रात और 12 झीलहजा की रात ये इंसान को मिना में अपने टेंट में गुजारनी अपने ख़ेमे में गुजारनी है जो इंसान बारह को ही मना छोड़ करके मक्का अपने होटल में जाना चाहे तो 12 तारीख को तीनों शैतानों को कंकरी मारने के बाद सूरज के डूबने से पहले वो मेना छोड़ करके मक्का जा सकता है फमन फी योमैनी फला इसम अलई जो दो ही दिन में जल्दी करे और 11-12 ही को कंकरी मार के जाना चाहे वो जा सकता है उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है लेकिन एक इंसान है कि नहीं बारह तारीख को नहीं जाना चाहता है बारह ज़ल्जा को नहीं तेरह झलहजा को कंकरी मार के जाएगा तो उस इंसान को ग्यारह बारह और तेरह झलहजा इन तीनों रातों को मिना ही में अपने टेंट में रात गुजारना होगा और उसे तेरह झलहजा को भी जवाल के बाद इन तीनों जमरात को छोटे और बीच वाले और बड़े इन तीनों जमरात को ज़वाल के बाद कंकरी मारना होगा और कंकरी मारने के बाद अब वो तेरा जिलजा को वो अपने होटल में जा सकता है तो ये मसला जो आपके सामने हज तमत्तों का बयान किया गया अब इस तरीके से हज का पूरा काम इंसान का ख़त्म हो गया आखिरी चीज़ क्या बचती है वो ये है कि तवाफ़ विदा तवाफ़ विदा तवाफ़ विदा, तवाफे विदा ये वाजिबातें हज में से है हज का एक वाजिब है अगर एक इंसान अगर तवाफ़ विदा ना करके चला जाए तो उसे दम देना पड़ेगा हाँ यह है कि जो ख़वातीन हैं जो औरतें हैं कभी ऐसा होता है कि तवाफ़ विदा का वक्त आया और ख़ातून जो है उसको यमसी का पीरियड शुरू हो गया और हम सबको मालूम है कि खाने काबा का तवाफ़ करने के लिए इंसान को पाक होना ज़रूरी है बावजू होना ज़रूरी है अब औरत को यमसी शुरू हो गया वो नापाक हो गई तो वो ख़ातून खाने काबा का तवाफ़ नहीं कर सकती है उसके लिए रुख्सत है कि चूँकि यमसी का पीरियड शुरू हो गया है तो तवाफ़ विदा उससे माफ़ है बग़ैर तवाफ़ विदा किए हुए वो अपने मुल्क जा सकती है उस पर कोई गुनाह नहीं है और ना उसे दम देना पड़ेगा तो इस तरीके से ये हज तमक्त का तरीका क्या है और हज तमत्तो कैसे करना चाहिए ये तमाम चीज़ें आपके सामने बयान की गई एक चीज़ और बयान करने की है वो ये है कि जब आप मुशतलफा से आप मिना आएंगे तो मिना आप दस तारीख को भी रहेंगे दस दिलहिजा को भी रहेंगे ग्यारह को भी रहेंगे बारह को भी रहेंगे और जो लोग तेरह को कंकरी मार के जाएंगे वो तेरह को भी रहेंगे तो ये दस ग्यारह बारह ये जो दो तीन दिन, दिन आप मिना अपने खेमे में रहेंगे तो अपने खेमे में रहते हुए जो नमाजें हैं मिना में अपने खेमे में उन नमाज़ों को उनके वक्त में पढ़ेंगे और कसर पढ़ेंगे यानी फ़जर को फ़जर के, के वक्त में पढ़ा आपने फ़जर में कसर नहीं है जहर का वक्त आया जहर को जहर वक्त में पढ़ा लेकिन चार नहीं दो रकात पढ़ेंगे असर की नमाज का वक्त हो गया असर को असर के वक्त में पढ़ेंगे लेकिन क्या पढ़ेंगे कसर पढ़ेंगे दो रकात पढ़ेंगे मगरिब को उसके वक्त पे तीन नकात पढ़ेंगे ऐशा का वक्त हुआ ऐशा की नमाज़ होगी ऐशा की दो रकात आप कसर पढ़ेंगे ये जब तक मीना अपने खेमे में रहेंगे ग्यारह बारह तेरह जो भी एयाम हैं उनयाम में इन नमाज़ों को कसर ही पढ़ना है क्यों पढ़ना है इसलिए कि हमारे और आपके और सारे कायनात के मुरबी हादी और रहबर सैदालम्बियामसलिन ने इन नमाज़ों को मिना मुजलफ़ा अरफात में अयाम हज में कसर ही पढ़ा है इसलिए उन्हें हमें कसर ही पढ़नी है ये और बात है कि हमारे बहुत से भाई वहाँ बहसोमबासे में लग जाते हैं एक ही खेमे में देखिए कि पचास शादी मौजूद हैं नमाज का वक्त हुआ तो कुछ लोग कसर कर रहे हैं और कुछ लोग पूरी पढ़ रहे हैं पूरी जो पढ़ रहे हैं वो ये कह रहे कि नहीं भाई हम मुकीम हैं इसलिए हम पूरी नमाज पढ़ेंगे और जो लोग कसर हैं वो ये करते हैं कि भाई चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर ही पढ़ी है इसलिए हम कसर ही पढ़ेंगे और ऐसे लोगों को हमारे उन भाइयों को समझना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफिर थे मदीना से आप मक्का पहुँचे साढ़े चार सौ किलोमीटर का सफर तय करके आपके साथ वो लोग भी थे जो मक्का के रहने वाले मुकीम भी लोग थे मक्का के आस पास के रहने वाले लोगों ने हज किया जिसमें वो मुकम भी थे लेकिन सभी लोगों ने सभी साहब कराम ने आपकी इतबा और आपकी पैरवी करते हुए सबों ने मीना में मुजलफा में अरफात में नबी करीम वसल्लम की इत करते हुए नमाजों को कसर ही पढ़ा है तो ये तफरीक आज कहाँ से आ गई कि भाई मैं मुसाफिर हूँ मैं मुकीम हूँ इसलिए असल ये है और सुन्नत की इतबा यही है कि इन नमाज़ों को मना मुज़दलफा अरफात में कसर पढ़ी जाए और यही सुन्नत है और सुन्नत की ही में खैर और भलाई है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम हज कर रहे होते थे और साहबिक इकराम को बार बार कहा करते थे खुदी तुम लोग हमसे तरीक़ हज सीख लो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये तलखीन कर रहे थे तो इस तरीके से आपके सामने इस अपोशूड में और इस नशिस्त में हज तमत्तों का तरीका क्या है बयान किया गया उम्मीद है कि इसी रोशनी में सुन्नत की तबाह करते हुए आप अपने फरीज हज को अदा करेंगे अल्लाह ताला आप तमाम के हज़ को कबूल फरमाएर दुनिया में अमन को आम करने की इस कोशिश में हमारा साथ दें आई प्लस टीवी को डोनेट करने के लिए अभी कॉल करें नाइन फाइव डबल एट डबल एट डबल एट टू सिक्स पर